नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेर एंड क्लेब के साथ और मैं प्रीति सहर। कल की अगर गाइडलाइन की बात की जाए तो कल गाइडलाइन में ये आया था कि मॉल जो हैं ओपन होंगे और धार्मिक स्थल की जो बात की जा रही थी 8 जून से जो धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। कपाट जो हैं अभी भी बंद हैं, लेकिन मॉल जो है खुल चुका है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एंट्री का जो बोर्ड है लगाया गया है, और साथ में आप यहां पे देख सकते हैं फुटप्रिंट की अगर बात की जाए तो प्लीज़ कीप सोशल डिस्टेंस के जो हैं यहां पे जो हैं टैग्स लगाए गए हैं। और यहां पे पूरे जगह पे अगर मैं आपको बता दूं तो यहां पे लगाए गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मॉल खुला तो है, लेकिन आज जो है कस्टमर आ नहीं सकते हैं यहां पे जो कस्टमर। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं विजुअल्स में कि लोग यहां पे आना शुरू कर गए हैं, लेकिन मॉल की तरफ से जो है लोगों को वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि मॉल के अंदर जो है सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और साफ़ सफाई का काम चल रहा है। और आप यहां पे देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है तैनात है यहां पे। और अगर हमारी पुलिस कर्मी की बात की जाए वो भी यहाँ पे तैनात हैं। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंस के जो टैग्स हैं एंड तक जो हैं इन्होंने लगाए हुए हैं। अब मॉल के अंदर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मॉल खुला तो है लेकिन जो है यहाँ पे लोगों की जो है अभी एंट्री नहीं आ सकती है। अगर यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग की अगर बात की जाए वो भी यहाँ पे की जा रही है, और सैनिटाइज़र की अगर बात की जाए तो सैनिटाइज़र भी यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे अगर अभी हमारी बात की जाए तो यहाँ पे हर कोई जो आएगा उसका जो है स्कैनिंग ज़रूर होगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं का जो है पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस के जो टैग जो गोला करी अगर हम कहें तो वो यहाँ पे जो है यूज़ की जा रही है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर से एंट्री से ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है स्टिकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन के जो है यहाँ पे लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है गोलाकारी की गई है। अब अंदर के आगे की क्या विजुअल्स रहते हैं हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की, तो चलते हैं। तो अभी मॉल के अंदर हम एंटर कर चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉल के अंदर जो है शॉप्स जो खुल चुकी हैं, और जो यहाँ का स्टाफ है, मॉल का जो स्टाफ है यहाँ पे आ चुका है अपनी जगह पे, जैसे पहले की तरह लॉकडाउन के पहले जैसे दिनचर्या चलता था, मॉल खुलते थे वैसे ही खुल चुके हैं। लेकिन मैं आपको फिर यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह पर जो है सैनिटाइज़र का यूज़ किया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो प्रिकॉशंस जो लेने हैं वो पूरे जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है यहाँ पे फॉलो करने हैं वो पूरे फॉलो किए जा रहे हैं। और अब अंदर की अगर तरफ देखें तो यहाँ पे जो है स्टाफ को अलाउ किया जा रहा है, आम जनता को जो है यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है। कल की जो गाइडलाइन थी उसके दौरान जो है कि मॉल्स जो खुलेंगे लेकिन जो एंट्री है पब्लिक की जो एंट्री है वो कल से शुरू होगी, और यहाँ पर सैनिटाइजेशन का भी जो है काम किया जा रहा है, साफ़ सफाई का भी काम किया जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने यहाँ पर जो है शॉप्स जो हैं खुल चुकी हैं, पूरा मॉल जो है सज चुका है और साफ़ सफाई आप देख सकते हैं, सैनिटाइजेशन का भी सामने अगर देखें तो आप काम चल रहा है। और अगर आप यहाँ पे अगर देखें इंफॉर्मेशन डेस्क है जो सामने आपको दिख रहा है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मॉल के बारे में वो भी आपको मिल सकती है। और सामने आप देख सकते हैं सारी जगह पर जो है पूरा मॉल जो है खुल चुका है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि पूरा मॉल यहाँ पे खुल चुका है और कल से जो है पब्लिक के लिए जो है एंट्री जो है मिल जाएगी, और जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं उनके लिए भी एक बात बोल दूँ कि प्लीज़ कोशिश करें कि रश ना करें, अगर ज़रूरी काम है तो बाहर निकले, मॉल में आए। हम मना नहीं कर रहे कि मॉल में मत आइए, मॉल में आइए, लेकिन सोशल डिस्टेंस का जो है ज़्यादा ध्यान रखिए, मास्क का उपयोग ज़रूर कीजिए, और जो सैनिटाइज़र की जो बॉटल्स हैं वो अपने पॉकेट्स में ज़रूर रखें। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि अगर किसी कारणवश आप अगर सैनिटाइज़र भूल जाते हैं तो मॉल में सैनिटाइज़र की जो है अवेलेबल यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। और आपको और मैं आपको आज बता दूं कि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान जो है यहाँ पे बिल्कुल मॉल बंद हो चुका था, तो आज पहला दिन है मॉल का जो ओपनिंग है, और कल से जो है पब्लिक यहाँ पे आ सकती है। विजुअल से हम दिखाएंगे आपको कि कुछ लोग आए भी हैं लेकिन मॉल के जो सिक्योरिटीज़ जो हैं उनके द्वारा जो है उनको वापस भेज दिया गया, और उन कोशिश की और उनको बताया कि आप आज जो है मॉल के में एंट्री नहीं हो सकती, कल से जो है पब्लिक आ सकती
सकती है। तो ये जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी है, प्रशासन द्वारा जो है छूट दी जा रही है और इसका गलत ना इस्तेमाल करें पब्लिक, इवन कि उनके साथ कॉपरेट करें, फॉलो करें और रूल्स के साथ जो है, अब मैंने बार बार बोला है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान जरूर रखें। तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा अगले अपडेट्स के लिए, मैं प्रीति सहर स्टेट एनक्लेव के साथ। जय हिंद, जय भारत।